नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता और मेरे इस विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव टॉक विद मुकेश मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। आज जिन शख्सियत के साथ मुझे बहुत सी सकारात्मक बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हैं श्री मनोज तिवारी। और मैं बड़ा कंफ्यूज हूं मनोज जी, ये अपने दर्शकों को बताते हुए कि मैं किस मनोज तिवारी से बात कर रहा हूं आज। मैं एक सिंगर से बात कर रहा हूं, मैं एक एक्टर से बात कर रहा हूं, मैं एक टेलीविजन प्रेजेंटर से बात कर रहा हूं, या मैं एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं मनोज जी कि आपको इन सब रोल में सबसे प्यारा रोल क्या लगता है? जी, आप मनोज तिवारी से बात कर रहे हैं जो भारत का नागरिक है और उसको भारतीय होने पे बहुत गर्व है, इतना ही बस याद रखना है। अच्छा, बाकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक सिंगर एक्टर भी हो सकता है और एक सिंगर एक्टर उस समाज सेवी भी हो सकता है, और सिंगर एक्टर टेलीविजन प्रेजेंटर तो आपस में एक जुड़ा हुआ है। हाँ, कुछ लोग खुश नसीब होते हैं जिनको समाज सेवा करने का मौका मिले, सांसद भी बन गए, तो ये सब चुनौतियाँ हैं। कई चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ मनोज तिवारी, भारत माता की जय। नहीं, लेकिन मनोज जी, अगर मैं जानना चाहूँ ऐसा आपकी बैकग्राउंड के बारे में, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप बिहार से बिलोंग करते हैं, फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए आप BHU गए, फिर आपने दिल्ली में आप आए, दिल्ली में आपने गाना शुरू करा, मतलब जो आपका जो प्रोग्रेस है वो बड़ा एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ते गए और आके इस ऊँचाई पर पहुँच गए, तो ये अगर इसमें आपकी फैमिली का भी कोई सपोर्ट होगा बहुत ज़्यादा, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, आपने क्या स्ट्रगल किया, तो हमारे दर्शक मुझे लगता है कि एक मनोज तिवारी जी के बारे में जान के बहुत खुश होंगे। एक तो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये बड़ा एक कन्फ्यूजन वाला शब्द है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ कि यूपी से बिलोंग करता हूँ कि झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। क्योंकि मेरा जो गाँव है जहाँ मेरे बाबूजी रहते थे, मेरी माँ रहती हैं, वो बिहार में है, लेकिन मैं पैदा हुआ बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल में, और फिर मैं बनारस में ही रह गया, तो अब हम लोग बनारस ही रहते हैं। फिर वहाँ से निकलना हुआ, मेरा मामा गांव है, नौहट्टा गांव है, झारखंड में पड़ता है, झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, वो जी, जी। अलग हो गया। उत्तर प्रदेश में मेरा एजुकेशन, बॉर्न ब्रॉट अप सब उत्तर प्रदेश में बनारस में हुआ, बाबा की नगरी में और माँ शीतला के चरण में। फिर मेरा जो स्ट्रगल पीरियड था वो दिल्ली में था सिंगर बनने के लिए, और बाकी तो ऐसे तो बनारस था। और सफलता जब सिंगिंग में मिल गई तो एक्टर बनने की सफल स्ट्रगल वो मुंबई में था। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि अभी समझ में नहीं आता कि वेयर फ्रॉम आई बिलोंग, मतलब देखा जाए तो सारा भारत एक है। अच्छा मनोज जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब ये जो भी आपने जो सफलता प्राप्त की है, ये अगर हम कहें तो फर्स्ट जनरेशन वाली सफलता है। हाँ, मेरे घर में न तो कोई पॉलिटिशियन था और न तो कोई सेलिब्रिटी हुआ। जी, मेरे बाबूजी सिंगर थे। हाँ। मेरे बाबूजी, वो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेलिब्रिटी थे, मतलब उनको बहुत लोग सम्मान करते थे, लेकिन तब का जमाना ही है, जहाँ है उतने ही में खुश है, जहाँ बैठ गए वहीं शास्त्रीय संगीत के गायक थे, तो 10-15 लोग भी हैं तो उसमें मगन है। तो ये बड़ी बात है ना मुकेश जी कि आप जिस जैसे हैं उसी में मगन है, आपको कोई शिकायत ही नहीं, तो यही तो फिर वो फकीरी स्वभाव यही हुआ ना, हम जैसे हैं जी, हमको न किस ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम जैसे हैं सबकी मंगा रहे हैं खैर। तो वो याद आते हैं सर, वो दिन जो बचपन के हैं, जो बाबूजी हाँ, के साथ। बाबूजी की यादें तो बहुत ही इमोशनल है। मुझे बाबूजी मेरे बहुत बचपन में चले गए थे, मैं तब 8th क्लास में था, और बाबूजी मुझे मानते बहुत थे, मुझे वो कभी भी डांटते नहीं थे, वो स्मृति में है। तो इस प्रकार से पिताजी याद हैं और संत स्वभाव के थे वो। माँ तो थोड़ी सी घर की व्यवस्था देखने में चिंतित रहती थी, ये हो जाए ये हो जाए,
उनका था जब जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसे हमारे बाबूजी। अच्छा, अगर बात करें सर आपकी पहली फिल्म के बारे में जिसने भोजपुरी फिल्म का एक तरह से पूरा इतिहास ही बदल दिया, इतिहास बुगाल, मतलब जो ससुरा बड़ा पैसे वाला, हाँ हाँ, वो पिक्चर आपको कैसे मिली सर? मैंने प्रोड्यूसर को चांस दिया था। देखिए सच्चाई तो यही है कि जो ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म थी जी, अब ये सुन के कितनी हंसी आती है कि मैंने प्रोड्यूसर को चांस दिया था। एक्चुअली तब मैं सिंगिंग स्टार था जी, और उस समय हम लोग अच्छा एक दिन गाना गाने के लिए 1.25-1.5 लाख रुपया मिलता था, ये बात है 2002 की, आज उसकी वैल्यू कम से कम 15 लाख होगी जी। तो उस समय जब कोई मेरे पास आया कि फिल्म करना है आपके साथ, तो स्टार बन ही गए थे, सिंगिंग स्टार थे और सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा कुछ था नहीं जी। तो हमारे पास दो लोग आए, सुधाकर पांडे जी और अजय सिन्हा जी, बोले आपको फिल्म करना है। तो मैंने थोड़ा सुनो ना, फिल्म करना अच्छा है, अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने पूछा था उनसे कि पहले मैंने पूछा था कितना मानदेय कितना मिलेगा, पैसा सेवा करने वालों को बड़ा पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का काम है और 1,11,111 रुपये मिलेगा। तो हम सोचे वो तो आपके एक गाने की नहीं, मैंने हा? मैंने सोचा उनको चाय भी पिलाऊं कि नहीं सोचने लगा। लेकिन मैंने उनको ना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई सब इतना टाइम नहीं है, और मैं सोचा कि जो इतना कम सोच रहा होगा वो क्या फिल्म बनाएगा, ऐसे मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने उनको ना कर दिया, फिर लेकिन वो लोग माने नहीं, वो लगातार पड़े रहे 4-5 महीना, और फिर फाइनली मैंने उनकी फिल्म 2,22,211 में किया। चलिए आप मतलब यू आर ए गुड नेगोशिएटर, आपने डबल तो कर दिया सर। हाँ डबल तो कर दिया मैंने जी, मैंने डबल कर दिया। और फिर उसने तो एक इतिहास रच दिया सर। सोचिए उसकी उस फिल्म का बिजनेस लगभग 45-46 करोड़ रुपया हुआ है, मात्र 30 लाख की फिल्म, और 15 दिन में वो पिक्चर बनी थी, 15-16 दिन में बन गई थी। तो आपको जो पैसे मिले सर वो 2,02,000 ही मिले, 22,000 मिले या होंडा सिटी गाड़ी बहुत बहुत दिया उन लोगों, अच्छे लोग थे। तो ये देश सेवा का जज्बा था या क्या, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप ये सब एक तरह से छोड़ के और पॉलिटिक्स में आ गए? नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन भारत की परिस्थिति। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने मेरा हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो जो देश की परिस्थिति थी उसमें मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चल रही थी कि एक कास्ट को एक धर्म को करो कुछ मत, खाली बस इनको तुष्टीकरण करो जी, इनको बातों से खुश रखो, काम मत करो, और फिर उसमें देश के राजस्व को लूटो, अपना घर भरो, ये भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया। और धीरे धीरे हमारा भारत खतरे में आ रहा था, भारत पे भयानक खतरा था, क्योंकि किसी देश की नीति निर्धारक कमेटी अगर देश विरोधी हो जाए, वो हुआ था कांग्रेस के समय में जब हम लोग 2014 में आए जी, या उसके हम 2009 में भी जब हमने सोचा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो उसका एकमात्र कारण था कि देश की दिशा ही कहीं और जा रही थी। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताता हूं जी, 2004 में कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री और उन्होंने एक रूल ला दिया कि बच्चा पढ़े ना पढ़े 8 क्लास तक पास हो जाएगा। तो मुझे फिर लॉर्ड मेकले की वो लाइन याद आती है, जब वो यहां आया था घूमने तो जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था कि अगर भारत को हराना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को छिन्न भिन्न कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी, मैं क्या ये हो क्या रहा है, जो लॉर्ड मेकले ने कहा था उस समय जब भारत परतंत्र था,
जो उन अंग्रेज नहीं कर पाए वो कपिल सिब्बल और कांग्रेस कर रही है जी। भारत को मारना है तो शिक्षा पद्धति को मार दो, बिल्कुल, बच्चा पढ़े ना पढ़े पास कर दो तो फिर तो ऐसे जाके वो क्या होगा सर, अल्टीमेटली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसे क्या होगा वो कोई उनमें से बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हा? कोई इंजीनियर बन जाएगा, तो वो बिल्डिंग गिरेंगी, लोग मरेंगे, अल्टीमेटली अगर बेस जो है वो इमारत का मजबूत नहीं होगा, खराब कर दो। हाँ, तो जो इस देश की बेस खराब करने में लगा हुआ है वही सत्ता में बैठा था और लोग जातियों में और धर्मों में बटे हुए थे, तो उस समय मुझे लगा तड़प हो रही थी। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में भी था, आप अन्ना हजारे के आंदोलन में भी थे और आप बाबा रामदेव के आंदोलन में भी, जी बाबा रामदेव के यहाँ मैं मंच पे भी उपस्थित था, जी जी, क्योंकि बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे जी, इन लोगों की जो भाषा थी वो देश की भाषा थी उस समय, और करप्शन के अगेंस्ट जो था, हाँ, शायद उसमें भी आपका काफी उस, वही तो हम लोग की तड़प थी जी। हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग उनसे जुड़े थे, क्यों जुड़े, इसलिए जुड़े कि उनको कहीं ना कहीं उसमें देश की खुशहाली दिख रही थी कि भाई उन बेईमानों को सजा देनी है, बिल्कुल, और वही बेईमान हम लोगों पे लाठी चार्ज करा रहे थे, वही बेईमान हमको गिरफ्तार करा रहे थे, हमको मतलब अन्ना, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, मतलब जो ईमानदारी की तरफ बढ़ना चाहते थे, हाँ, उनकी तरफ डंडा, उनको मार रहे थे जी। और यही राहुल गांधी तब भी था, ऐसे बहू की तरह देखता रहता था चुपचाप, तो गुस्सा आता था, तो उस गुस्से की परिणति में हमको अचानक नरेंद्र मोदी दिखे और लगा यार ही इज द परफेक्ट पर्सन जिनके साथ हम लोगों की सारी सिनर्जी हो सकती है, सब हो सकती है। तो हम लोग फिर निकल गए, फिर तो वो एक ऐसा रोज ऐसा करते गए कि हम लोगों का अब तो समझिए कि, और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ ये मोदी जी की भी बड़प्पन है सर, उन्होंने भी हीरे की परख जो है वो जौहरी कर सकता है अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने भी आपको परखा, समझा और आपको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी। हाँ, ये तो ये मानता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, इन लोगों की सोच में तो कुछ ना कुछ अच्छा है, जो हमारी और भी टीम है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी टीम है जिसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के चिंतक हैं और सिर्फ राष्ट्र की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। मैं देखिए वैसे मैं सच बताऊं आपको ना कि भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है, इसलिए मैं तो 4 साल हुआ मुझे आए हुए जी। लेकिन इसकी सोच में हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ देश की सोच है। अच्छा मनोज जी, कुछ ऊंचे नीचे हो सकते हैं लोग इसमें भी, हाँ, जो हाँ, गलत मानसिकता से, तो जब गलत मानसिकता आपको पता चलेगा तो आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, सीधी बात है। बट अगर मैं एक लाइटर मोड पे अगर मनोज जी आपसे पूछूं कि वहां तो आपने भोजपुरी में तो अपना अभिनय का झंडा गाड़ दिया और लोगों को बता दिया कि भोजपुरी के जो हीरो हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, आपने कभी सोचा था कि जो पॉलिटिक्स में आप आ गए वहां के जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? मतलब वो जो एक्टिंग जो आजकल चल रही है, तो आपको लगता है आप सक्षम है उन हीरोज से और उन एक्टिंग से कि कहना कुछ करना कुछ आज कुछ कल कुछ, तो उनसे मुकाबला आपका खड़ा मुकाबला है मनोज जी? देखिए हम अगर सच्चाई के साथ चल रहे हैं, आपका शो ही है पॉजिटिव टॉक जी, सारी समस्याओं का निदान पॉजिटिव सोच है भाई साहब, कोई अपने पेट से, माँ के पेट से सीख के नहीं आता जी, उसको आकर के अनुभवों से कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, वो सीखेगा, बल्कि दुखों में तो लोग ज्यादा सीखते हैं, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक दिशा में चलना है तो जनता आपके साथ जुड़ जाएगी। भारत की जनता तो महान है ना, बिल्कुल, उसमें मान लीजिए कुछ 2-3% लोग ऐसे हैं जो वेश बदल के देश विरोधी लोग बन के घुसे हुए हैं, 5-10% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं उसका नुकसान क्या हो रहा है देश को, बिल्कुल, तो जिनको पता नहीं उनको हमको ठीक करके लाना है, और कुछ एक ऐसी बहुत बड़ी जमात है जो देश के लिए मरने और मारने में विश्वास रखती है और कभी भी देश के लिए जान दे सकती है। बिल्कुल मनोज जी, मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि अगर एक पेपर पे, एक वाइट पेपर पे अगर एक ब्लैक स्पॉट लगा है एक छोटा सा, तो अधिक हम क्या होता है उस ब्लैक स्पॉट को देखते हैं, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं, जो 99% है वाइट है उसको देखना है। और इसी मोटो से मैंने और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने ये पॉलिटी टॉक शो की शुरुआत की,
और हमें लगा कि आप जैसे लोग ही इस शो के लिए एकदम एक परफेक्ट गेस्ट हैं। अब पता नहीं हम परफेक्ट हैं कि नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि परफेक्ट हो, परफेक्ट होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यही सबसे अच्छी बात है सर, कि अगर आदमी उस ऊंचाई पर पहुंच के भी ये कहे कि नहीं मैं रोज सीखना चाहता हूं। अच्छा क्रिकेट के बारे में सर कुछ बताएं, जो क्रिकेट का जो आपका प्रेम है। अब ये तो सबका अपना अपना एक हॉबी हो जाता है ना सर। तो मैं क्रिकेट अब बचपन से हम लोग गांव में भी खेतों में पूरा फरसा से छील छील के घास और धान की खुद्थी छील छील करके हम लोग ईंटा से पीट पीट करके पिच बनाते थे, और वो कॉर्क की बॉल होती थी, परचामेंटेड बैट होता था, उसमें भी हम लोग मारते थे कि तीन टोकरा बाद जाए तो छक्का हो ही। वो अभी वहाँ भी खेले और अभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भी खेलते हैं, अभी फिरोज शाह कोटला में भी खेलने का मौका मिल जाता है किसी न किसी कारण। तो ये हमारे अपने को एनर्जाइज करने का कारण है। और ये जो दिल्ली में आपने छक्के मारे 272 में से 184, इसका इसका कुछ हमें कुछ गूढ़ मंत्र बताएंगे जरा। पॉजिटिवनेस, सिर्फ सकारात्मकता। मैंने पूरे इस टाइम में तो बार बार अरविंद केजरीवाल को बोला कि भैया एक बार आओ मेरे साथ, चलो किसी के घर चलते हैं, आया ही नहीं। मैं झुग्गियों में बैठता था, बोलता था अरविंद भाई आओ, वो आते ही नहीं थे। तो जनता चाहती है कि भैया सच्चाई क्या है, आप मेरे सामने आके बताओ। और इस दिल्ली में जो झुग्गी में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स है, उसको खाली बातों में कब तक करोगे, ग्राउंड पे उतरो ना। वो इंसान है, लोग अच्छे है, वो तो पैसा कमाते भी हैं, काम करते हैं, उनके कारण दिल्ली का व्यवस्था चल रहा है। बिल्कुल, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं उनके जो तलवार लटक रही है, कोई आके इंसल्ट कर देता है, कोई आके नोटिस चिपका देता है, कोई आके ह्यूमिलिएट करता है, अरे तुम सरकार में हो, आओ यार यहाँ पे, उनकी बात नहीं समझते हो। तो मैं तो हमेशा बोलता था आप आओ, अगर मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी गलत है तो मुझे समझाओ, तुम सरकार में हो तो उसका इलाज बताओ, नहीं तो छोड़ के जाओ। तो अगर आपका विजन हम देखना चाहें सर, तो जो प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की, तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं कुछ प्रॉब्लम्स, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की, उनको आप कैसे टैकल करेंगे? हमारा विजन है कि जितनी जल्दी हो सके इरेगुलर कॉलोनीज को रेगुलर किया जाए। हमारा विजन है कि पानी का नल सबको घर घर पहुंचाया जाए, और हम पहुंचा सकते हैं साहब, हम 2 करोड़ घर में जब गैस पहुंचा सकते हैं तो पानी पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है जी। जहां लोगों की झुग्गियां हैं उनको हम घर दें, क्योंकि हमें 2022 तक सबको घर देना ही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली के गांवों की चिंता कोई नहीं कर रहा, दिल्ली के गांव के किसान हैं उनकी बड़ी खराब स्थिति है, 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है किसी के पास। लैंड पूलिंग उसमें कुछ मदद करेगा जी? हमने तो हमारा वो सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उसमें बहुत सारा हमने अभी एक उसका लगभग 60% कर दिया अभी 4 दिन पहले। बार बार दिल्ली सरकार उसको रोक रही थी, एलजी के राइट में था, उसको हमने करीब कई गांवों को, शायद 46 विलेज जी हमने उसको, अब वहां पे डेवलपमेंट का काम होगा, हमने ये शुरू कर दिया है। और 100% दिल्ली के लोगों का समस्या दूर करना ये हमारा उद्देश्य है, और हम काम पे लगे हुए हैं सर। अच्छा डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? आपने जो ये एमसीडी है या दिल्ली में है, तो क्या क्या आपने अभी आपके और क्या प्लान है, और क्या आपने अभी इस थोड़े पीरियड में कुछ अगर कुछ डिजिटलाइजेशन किया हो? अभी हमने परसों दिन कई चीजें, तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए भी लोगों को पैसे देने पड़े। बिल्कुल, हमारे घर का एक व्यक्ति मर गया, इसके लिए भी प्रमाण पत्र के लिए पैसे देने पड़ते थे। दुख का, वो कहते ना जो थोड़े गंदे लोग हैं वो परेशान करते थे, जन्म के प्रमाण पत्र के लोग भाग रहे, वो सब हमने ऑनलाइन कर दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ई म्यूटेशन बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का ई म्यूटेशन शुरू कर दिया, करप्शन का एक बहुत बड़ा शो, ई म्यूटेशन हमने शुरू कर दिया साउथ एमसीडी में, हम पूरी दिल्ली का। हम तो भाई सब चाहते हैं ना
कि सब कुछ पारदर्शी हो। नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सब पारदर्शी हो। अगर आप में आपके पॉलिसी में कुछ रूल गलत है, नहीं आप उसमें कंपीट कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए ना, किसी को बीच में मत आने दीजिए। यहां आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि यहां आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, हम वो सारा नल साफ कर देना चाहते हैं, छक निकले और अच्छा बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा, स्वच्छ भारत के लिए सर, जैसे स्वच्छ दिल्ली के लिए, कि खाली सरकार भी कब तक करेगी स्वच्छता में? अगर आप ऐसा करें कि कुछ रोड्स को आप कर दें कि दिस रोड इज मेंटेन्ड बाई दिस कंपनी, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया कुछ लोगों को, कुछ कंपनीज को दे दें, वहाँ पे वो डस्टबिन लगा दें, अपने 4 सफाई कर्मचारी रख दें, तो मुझे लगता है कि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके तहत शायद दिल्ली कुछ ज़्यादा साफ हो सकती हो। बट आपका क्या विजन है सर, कैसे होगा मतलब दिल्ली साफ? अगर मैं देखूँ सर, आज के अखबार में मैं देख रहा था, देखिए सर, दिल्ली मतलब सफाई कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, कूड़े के ढेर बने पड़े हैं, तो ये इसके लिए सर ये दिल्ली साफ कैसे होगी? एक तो जो आपने कहा ना कि सड़कों को अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग संस्थाएं एडॉप्ट कर लें जी, वो एक दिन मुझे आपसे मिला था, ये कान में आया था, और मैंने अपने मेयर्स को और अपने कमिश्नर्स को इसके बारे में बोल दिया है। हालांकि इस दिल्ली की जो बड़ा सड़क और उसका भाग है वो पीडब्ल्यूडी के पास है, जो दिल्ली सरकार के पास है जी, तो इसमें हम पूरी तरह तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो एमसीडी के अधिकार में है हम उसमें क्या क्या रास्ता निकाल सकते हैं, ये दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव और हम उसको उठाना चाहते हैं। अच्छा, पॉल्यूशन के बारे में सर कुछ अगर बताना चाहें? हाँ, पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसमें जन भागीदारी भी होनी चाहिए इसको दूर करने के लिए। जैसे अभी आपने कहा ना, हमारे कुछ स्वच्छता कर्मचारी हड़ताल पे गए जी। अब मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी अभी हमारी सरकार, नई सरकार आई है एमसीटी में, पीछे क्या हुआ ये तुम समझो, तुम सोचो, तुम जानो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम एक नई ताजगी के साथ आपके साथ बैठने को तैयार है। उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार हम लोग साथ बैठते हैं, अभी हड़ताल ना करें, हम तो उनकी समस्या दूर करना चाहते हैं। तो ये आपका एक संदेश है उन सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल के, न्यूज़ वर्ल्ड अभी आपके कार्यक्रम के तहत, पॉजिटिव टॉक शो के तहत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार मेरे साथ बैठ लें। हमारे मेयर अभी अभी शपथ लिए हैं, तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, फिर आप जाएंगे तो हम समझेंगे क्या? टेबल पे बात हो, अगर बड़ी पुरानी समस्याएं आ रही हैं तो हम उसको बैठेंगे और हम भी उसके पॉइंट्स रेज करते हैं, आप भी रेज करो, हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अच्छा मनोज जी, कहीं पर आपको बुलाया जाए और आपसे एक गाना ना सुना जाए तो मुझे लगता है वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, और शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूं सर, एक विनम्र निवेदन आपसे, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ आप गुनगुना दें तो। देखिए, हम तो गुनगुनाए ना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। कैसे मनाऊं पियवा गुन मेरे कहू नाही, आई मिलन की बेला कांपे मोरी परछाई, कैसे मनाऊं पियवा गुण मेरे कहू नाही। एवरीबॉडी हिट क्लैप। एक छोटी सी स्टोरी सुना के इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। एक गांव था और वहां पर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पर एक मंदिर हुआ करता था। तो वहां पे एक यंग आदमी था, वो कभी उस मंदिर पे जाता नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि यार उस मंदिर पे जाओ, वहां पे जाते हैं तो सब कुछ जो भी मांगते हो पूरा हो जाता है। लेकिन उसको ना गर्मी बड़ी लगती थी और उस गांव में बड़ा गर्म एटमॉस्फेयर था, तो उसको लगता था यार मैं गर्मी में जाऊंगा। 10 किलोमीटर दूर वो मंदिर होता था पहाड़ पे चढ़ पहाड़ पे, तो वो जाता नहीं था, वो कहता था नहीं मेरे बस की इतना गर्मी नहीं। एक दिन जब सबने कहा तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ, रात को थोड़ा गर्मी कम हो जाती है तो मैं रात को जाता हूँ। तो उसने रात को, लेकिन गांव में पहाड़ पे तो अंधेरा है, तो उसने एक लालटेन ले ली और वो लालटेन लेके निकल गया। थोड़ा सा चला, उसको लगा कि यार मंदिर तो बहुत दूर है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा, और जो लालटेन की रोशनी है वो तो बस
थोड़ा 15 कदम तक दिखाई दे रही है, तो उसको लगा नहीं मैं ऐसे जा नहीं पाऊंगा, 15 कदम तक दिखता है, 10 किलोमीटर की दूरी है। तो उसने कहा कि ऐसे करता हूँ यार, मैं ना रुक जाता हूँ भी यहीं पे, थोड़ा सूरज जब निकल जाएगा तब चल देखूंगा, अगर मेरे को टॉयलेट हुआ तब जाऊंगा। तो बैठ गया वहाँ पे, थोड़ी देर में वहाँ से देखा एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है, हाथ पे दीपक रखे हुए उसने, वो चल रहा है। तो उसने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ। उसने कहा अरे मंदिर जा रहे हो, आपको तो कुछ 2 कदम भी दिखाई नहीं दे रहा, 10 किलोमीटर दूर है। उसने कहा बेटा मैं तो रोज जाता हूँ। और बोले कैसे जाओगे, आपको 2 कदम की दूरी पे तो आप बस दिखना बंद है, और 10 किलोमीटर। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं कोई भी आदमी क्या 1 कदम से ज़्यादा रख सकता है, मुझे तो बस 2 कदम देखना है, और मैं अगर एक कदम देखता चलूँ और तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि अगर हम धीरे 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 करके बढ़ते रहें और अगर हम बहुत दूर से लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। वही मुझे लगता है, वही मैं आप में देखता हूँ कि आपने हर जिस भी फील्ड में आप आए, चाहे वो संगीत का फील्ड है, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड है, या वो एज ए पॉलिटिशियन है, तो आपने पूरे डेडिकेशन के साथ उस फील्ड को अपनाया, उस फील्ड में मेहनत करी और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, आप ऐसे लोगों को सकारात्मक रास्ते पे बनाए रखिए। थैंक यू सर।